टीम इंडिया को चाहिए तीन बदलाव। पंत जाएंगे, कार्तिक आएंगे, दो खिलाड़ी भी होंगे बाहर। टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हार चुकी है और हार से उन्हें सबक सीखना होगा, क्योंकि टीम में कई कमियां हैं और उन कमियों को नहीं सुधारा गया तो टीम इंडिया के हाथ से एशिया कप बड़ी आसानी से निकल जाएगा। फाइनल में पहुंचने के लिए अब टीम इंडिया को परेशानियां हो रही है, लेकिन ये गलतियां नहीं सुधारी गई तो टीम इंडिया जो 6 सितंबर को श्रीलंका से खेलने वाली है वहां पर भी ये परेशानियां सामने आ सकती है। और अगर टीम इंडिया ये मुकाबला हारी तो सब हार जाएगी और फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें उनकी धराशायी हो जाएगी। पंत की जगह आएंगे दिनेश कार्तिक। जी हाँ दोस्तों, ये वो पहला फैसला है जो टीम इंडिया को पहली फुर्सत में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिनेश कार्तिक नहीं आए तो टीम इंडिया को आगे भी नुकसान होते रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा किस तरीके से ऋषभ पंत ने खराब शॉट खेला और वो आउट हो गए, और उनके बाद हार्दिक पांड्या भी जल्दी आउट होकर चले गए, जिसकी वजह से टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई। अगर विराट कोहली वहां नहीं होते तो भारत के लिए 150 रन भी पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन दिनेश कार्तिक अगर इस टीम में आएंगे तो टीम का मिडिल ऑर्डर मजबूत हो जाएगा। ऋषभ पंत, जिन्होंने T20 क्रिकेट में आज तक भारत के लिए कोई ऐसी पारी नहीं खेली जिसकी तारीफ की जाए, इस खिलाड़ी को टीम से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया को दिनेश कार्तिक जैसा अनुभव चाहिए जो ऐसे अहम मौके पर अच्छी बल्लेबाजी कर सके। यूजी की जगह अश्विन को लाओ। दोस्तों, ये कहना सही लग रहा है कि अब युजवेंद्र चहल भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एशिया कप के 3 मैच बीत गए और यूजी अब अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, वो पुराने वाले युजवेंद्र चहल नजर नहीं आ रहे हैं। यूजी की जगह अब रविचंद्रन अश्विन को टीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रविचंद्रन अश्विन टीम के प्लेइंग 11 में नहीं शामिल होते हैं तो उनको 15 खिलाड़ियों में भी शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन एक सीनियर खिलाड़ी है और अगर इस सीनियर खिलाड़ी को लगातार बेंच पर बिठाया जा रहा है तो ये उसका अपमान है। और अगर अश्विन की जगह यूजी खेल रहे हैं जो मैच में भारत को जिताने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, तो अश्विन को किसी भी हालत में लाओ, क्योंकि अश्विन आकर अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी तो उनकी सबसे पहली ताकत है ही। हुड्डा की जगह खेले अक्षर पटेल। दीपक हुड्डा ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई, और अगर टीम में वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं तो उनका गेंदबाजी करना हक बनता है, और अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें गेंदबाजी करने के लायक नहीं समझता तो उनकी जगह अक्षर पटेल को लाना सही फैसला हो सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल गेंदबाजी भी कर सकते हैं, और अब अगर अक्षर पटेल गेंदबाजी नहीं करेंगे तो उनकी जगह भी फिर किसी बल्लेबाज को खिलाया जाए। ऐसे में अगर दीपक हुड्डा एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेल रहे हैं तो उनकी जगह अक्षर पटेल को खिलाया जाए, जो कम से कम भारत के लिए छठा गेंदबाजी का विकल्प तो बनेंगे। हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देखा भारत को कैसे छठे गेंदबाजी विकल्प की कमी खली थी, और अक्षर पटेल अगर प्लेइंग 11 में शामिल हुए तो भारत की वो ये कमी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया में 3 बदलाव होने चाहिए, क्या दिनेश कार्तिक पंत की जगह आने चाहिए, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को मौका मिलना चाहिए? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।